बड़ी खबर मिल रही है, संदेश खाली पहुंचा है बीजेपी का डेलीगेशन, पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन को रोका है। संदेश खाली जाने पर बीजेपी की टीम अड़ी हुई है। धारा 144 का हवाला देकर बीजेपी नेताओं को रोका गया है। ममता सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप, लेकिन वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, जरा देखिए। রামপুরে আছি কতক্ষণ লাগবে আসতে? আপনারা যদি রাত্র হয় আসতে, রাত্র পর্যন্ত বসবো। আপনারা আসুন, আমি বসবো, আসুন আপনারা। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का पूरा मामला, जिसको लेकर सियासी तौर पर अब ये कह सकते हैं कि हम घमासान हो रहा है, तूल पूरा मामला पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंच रही है, लेकिन वहां पर जो लोग पहुंचे हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जिसमें 6 सांसद शामिल हैं और 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल है। टीम की अगुवाई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कर रही हैं, जबकि इसमें केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटिक दगार, इसके अलावा तमाम लोग शामिल हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। 2024 चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ संदेश खाली को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी और ममता सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कल टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी और अपनी सांसदी से इस्तीफा देकर ममता को बड़ा झटका दे दिया। तीसरी खबर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज कोलकाता से आई, जहां टीएमसी नेता और ममता के करीबी पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही जारी है, जिनके खिलाफ टीचर भर्ती घोटाले में जांच चल रही है। और ये तीनों ही तस्वीर आपको इन तीनों ही घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हुए, किस तरीके से इस वक्त टीएमसी के जो नेता हैं उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। एक के बाद एक मामले वहां से ऐसे सामने आ रहे हैं। संदेश खाली पर एक तरफ बवाल हो रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी से मिमी चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं पार्थ चटर्जी की अगर बात करें तो उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यानी कि आप समझिए कि क्या कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पूरा अपडेट आप जान लीजिए। टीएमसी नेता पर जमीन हड़पने का भी आरोप है। संदेश खाली में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, खूब बवाल वहां पर हुआ। राज्य के दूसरे इलाकों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं होने दिया, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। पूरा मामला संदेश खाली अपडेट आपको बता रहे हैं, अभी तक क्या कुछ वहां पर हो चुका है। और जिस 6 सदस्य टीम का जिक्र हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस की तरफ से आगे बढ़ने से उनको रोका जा रहा है।